पंचायत चुनावों में जिला परिषद के चुनाव के लिए मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि शेष बचे 18 प्रत्याशियों के नामों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। ये जानकारी मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के सहायक स्थायी सचिव लाभ सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान के आदेशानुसार मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने पंचायत चुनावों को लेकर एक चुनाव कमेटी का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष हरेंद्र सिंह को बनाया गया था। लंबी चर्चा के बाद 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें बासाबाट से कांता चंदेल, कोट से जागृति राणा, नौण से दिनेश चंद शर्मा, महादेव से दिलीप कुमार, थौना से कुलदीप शर्मा, कोट से मनोज कुमार, सराहन से हृदय राम, करसोग से रंगीला राम, सुबाहीधार से सुलोचना भारद्वाज, ब्रियोगी से कविता कुमारी, मजोठी से लीला देवी, रोड से गीता सहगल, लोअर लिवालसर से शीला शर्मा, बड़ियाल से योगेश सैनी, दतवार से निशा देवी, लोंगनी से लच्छीधर शर्मा और ग्रोह बाट से भूपेंद्र सिंह के नाम का ऐलान किया गया है। ग्रोह बाट से कांग्रेस ने माकपा के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। हमारे हाईकमान के दिशा निर्देशानुसार मंडी जिला में चुनाव कमेटी का गठन किया गया। वो चुनाव कमेटी में जिला मंडी कमेटी के चुनाव कमेटी के अध्यक्ष श्री हरेंद्र सेन जी को इसका अध्यक्ष चुना गया और इसके साथ 15 सदस्य और नियुक्त किए गए। तो आज हाईकमान के निर्देशानुसार और मंडी जिला चुनाव कमेटी के दिशा निर्देशानुसार हमारे 6 विधानसभा क्षेत्रों से जो है एक एक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी समर्थित जो है जिला परिषद के लिए उतारा गया। 36 में से 18 प्रत्याशी हमने पहली सूची में निकाल दिए गए और 18 प्रत्याशी अभी जो है 2-4 दिनों के अंदर अंदर जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे।